हेलो फूड स्टॉप व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल सी सब्जी। जी हाँ, ये सब्जी ऐसी है जिसको कि सुनते ही सबका, ज़्यादातर लोगों का मुंह बन जाता है, ख़ास तौर पे बच्चों का, कि ये सब्जी हमने नहीं खानी। चाहे आप इसको किसी भी तरीके से बना लीजिए, वो नहीं खाएंगे। पर ये सब्जी होती बहुत हेल्दी है, मज़ेदार होती है। पर क्या है ना कि जब एक चीज़ दिमाग में आ जाती है ना बच्चों के कि हमने नहीं खानी तो नहीं खानी। पर मैं आज आपको ये सब्जी इस तरीके से बनानी बताऊंगी कि एक तो सिंपल बनती है, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी, टेस्टी भी बनेगी, मज़ेदार बनेगी। मेरी मम्मी भी इसी तरीके से बनाती थी, सूखी सूखी ये सब्जी बनाती थी जो कि बहुत टेस्टी बनती थी। तो पर थोड़ा सा मैंने उसमें हल्का सा एक ट्विस्ट दिया है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और सब्जी जो बनाऊंगी वो उन्हीं के स्वाद के हिसाब से बनाऊंगी कि वो सूखी सूखी वो सब्जी बनाती थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो सब्जी है क्या। वो सब्जी ये देखिए, अब आप समझ गए होंगे ये कौन सी सब्जी है। बता सकते हैं, जल्दी जल्दी बताइए ये कौन सी सब्जी है। और जो जो भी जुड़ चुका है उन सबका वेलकम है। बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप लोग ये वाली सब्जी सबको बताना चाहते हैं कि सिंपल तरीके से भी बहुत टेस्टी बन सकती है, तो एक एक शेयर कर दीजिए फटाफट। और सब्जी का नाम बताइए जल्दी से, ये कौन सी सब्जी है। तो मैं तो बताऊंगी आपको अभी। अभी क्या करती हूँ, इसको एक बार मैं छान लेती हूँ, सारा पानी मैं निकाल लेती हूँ। आप इसी तरीके से इसको बारीक बारीक काट लीजिएगा। ये बहुत हेल्दी होती है खाने में, तो इस तरीके से एक बार आप लोग ट्राई कर कर देखिएगा कि आपको कैसी लगती है, और फिर मेरे को बताइएगा। तो ये देखिए, सारा पानी जो है हमने निकाल लिया है, और इस पानी को हम फेंक देते हैं। अब ये सारी की सारी सब्जी मैं इसमें डाल दूंगी। सब्जी का नाम बताइए जल्दी से कि कौन सी सब्जी है। बहुत आसान सी सब्जी है, बहुत ढेरों मिलती है ये उसमें सब्जी वाले की रेड़ी पर। सबसे पहले यही दिखता है हमें। तो देखिए कौन सी सब्जी है, बताइए। अब क्या करेंगे आप लोग, जब तक सोचिए और बताइए, जब तक हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सामान डाल लेते हैं। इसमें मैं डालती हूँ ये चाट मसाला आधा चम्मच। ये जो मैं कर रही हूँ ये मैंने थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट दिया है। और जो मेरी मोम बनाती थी, मेरी मम्मी बनाती थी इसको, सब्जी को, वो बहुत सिंपल तरीके से बनाती थी पर टेस्टी बहुत ज़्यादा बनती थी। वो कहते हैं ना कि एक हाथ का भी स्वाद होता है, तो वो चीज़ थी उनके हाथों में। तो मैंने ये डाल दिए हैं चाट मसाला, और साथ में इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच बेसन। ये कोई भुना हुआ बेसन नहीं है, नॉर्मल वैसे ही बेसन है। तो इसको मैंने डाल दिया है और इसको मिला लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें मैं डालूँगी बिल्कुल जरा सा नमक, बिल्कुल जरा सा, 2 चुटकी, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर आधा चम्मच, रेड चिल्ली पाउडर आधा चम्मच। तो इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप लोग जरूर बताइए कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, और एक शेयर कर देंगे तो अच्छी बात है। एक एक शेयर करिए प्लीज़। तो ये मैंने अच्छी तरीके से मैंने इसको कोट कर लिया है। अब मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, तो मैं इसमें नींबू का रस नहीं डाल रही। अगर आप लोगों के पास चाट मसाला नहीं है तो आप लोग क्या करिए, उसकी जगह पे अमचूर भी डाल सकते हैं। और अमचूर भी नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो आप ऐसे ही बना लीजिए, बहुत अच्छी बनेगी। तो ये हो गया, अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो मैंने क्या किया है, तेल लिया है सरसों का। इसको हम बनाएंगे सरसों के तेल में। और इसको मैंने तेल को गर्म होना रख दिया है। तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने दीजिए। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, और प्लीज़ सपोर्ट करा करिए मेरी वीडियोस को शेयर करके और लाइक करके, जिसकी कि मुझको बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। तो
इस तरीके से ये देखिए, तेल को बहुत अच्छी तरीके से गर्म होने दीजिएगा। आप लोगों ने बताया नहीं मुझको कि ये कौन सी सब्जी है, बताइए। ये देखिए, मैं आपको एक बार दोबारा दिखाती हूँ नज़दीक से, बताइए ये कौन सी सब्जी है। मैं बस बताने ही वाली हूँ, तो उससे पहले अगर आप लोग बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। तेल को अच्छी तरीके से, सरसों के तेल को गर्म होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है, कच्चापन रह जाता है और वो जो स्मेल है वो सारी सब्जी में हो जाती है। तो इसलिए तेल को आप लोग अच्छी तरीके से गर्म होने दीजिए। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ आप लोग बता सकते हैं। रेसिपी आप लोगों को टफ तो नहीं लगती, मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं इजी रेसिपीज़ बताऊँ। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें सिर्फ थोड़े से, बिल्कुल 8 से 10 मेथी दाने के वो डाल दूँ, मेथी दाना डाल दूँगी। 8 से 10 दाने डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले क्योंकि इसमें ज़्यादा हमने नहीं डालना, हल्का सा फ्लेवर देना है बस। और थोड़ा सा मैं इसमें आधा चम्मच जीरा डाल रही हूँ। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं आधे से भी कम चम्मच सौंफ डाल रही हूँ, साबुत सौंफ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका दिल करता है आप डालिए, नहीं मन करता बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, पर मेरे को इसमें सौंफ का टेस्ट ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी सौंफ। और अब क्या करूँगी, इसमें मैं डालूँगी ये ग्रेट करा हुआ अदरक। कई लोग बोलते हैं कि आप लोग हमेशा लहसुन प्याज की सब्जी बनाते हैं और बीच में बोल देते हैं कि आप स्किप कर सकते हैं, तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप लोगों का मन करे तो आप मत डालिए लहसुन और प्याज जो है। पर लोग क्या कहते हैं, ज़्यादातर व्यूवर्स का कहना ये होता है कि इसका मतलब उसके बिना अच्छी नहीं बनती, तो अच्छी बनती है सब्जी। आज की जो सब्जी है वो बिना प्याज और बिना लहसुन के है, बहुत ही मज़ेदार बनेगी ये सब्जी। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है और इसको बहुत ज़्यादा हमने जो है ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर थोड़ी सी, थोड़ी सी हमने उसमें भी डाली थी तो इसलिए थोड़ी डालेंगे। और इसमें साथ में ही डालेंगे सूखा पीसा धनिया थोड़ा सा। मसाले मैंने उसमें थोड़े कम रखे थे क्योंकि मेरे को इसमें भी इंक्लूड करने थे अभी। और ये साथ में ही मैं डाल रही थोड़ी सी हल्दी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये 2 टमाटर हैं जिनको कि मैंने ग्रेट कर लिया है, तो इनको डालेंगे। गैस को सिम कर लीजिए और इसको अच्छी तरीके से, इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए। ये देखिए, बहुत ही सिंपल सब्जी है, बिना लहसुन प्याज की है और बहुत ही मज़ेदार है। अब हमने अभी नमक नहीं डालना, नमक इसलिए नहीं डालना क्योंकि चाट मसाला डाला था उसमें भी नमक था और जो नमक हमने थोड़ा सा ऊपर से भी डाला था। अब हम ये सारी की सारी सब्जी इसमें डाल देंगे। अब ये सब्जी कौन सी है ये आपने बताया कि नहीं है, मैं अभी आपके कमेंट्स देखूंगी, अभी तो मैं काम कर रही हूँ। बट ये जो सब्जी है ये घीये की सब्जी है। जी हाँ, घीये की बहुत ही यमी सी और टेस्टी सी सब्जी जो कि झटपट से बन जाएगी। घीया जो आप लेंगे वो आप बिना बीज के लीजिएगा, पतला घीया लीजिएगा और एकदम नरम, जो कि काटे और अंदर से बिल्कुल मक्खन की तरह हो, तो वो घीया क्या होता है जल्दी पक भी जाता है। तो अब हम इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे और इसको हम ढक देंगे। इसको हम ढक देते हैं कम से कम 5 मिनट के लिए, थोड़ा सा लो टू मीडियम पर। तो ये जो सब्जी है ना, ये घीये की सब्जी है और ये घीये की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। कभी आप इसको बनाकर देखिएगा, अगर आपने मैरिनेट नहीं करना मत करिए। जैसे मैंने छोक लगाया है इस हिसाब से भी अगर आप इसको बनाएंगे तो यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनेगी। सिर्फ मैरिनेट मैंने अपने हिसाब से करा है, पर मेरी मम्मी तड़का इसी हिसाब से लगाती थी और सब्जी बहुत टेस्टी बनती थी। इसको आप दाल के साथ कड़ी बना रहे हैं या कुछ भी सब्जी ऐसी है, आप उसके साथ साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनती है
और चटपटी भी बहुत बनती है। तो इस सब्जी को आप जरूर ट्राई करिएगा। और बताइए कि घिया किस किस को पसंद है? फ्रॉम तेली, गीता शर्मा, वेलकम। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं, प्लीज़ एक एक शेयर भी कर दीजिए। आप लोग शेयर करते हैं तो उससे मेरे को सपोर्ट मिलता है, एक शेयर से आपके, एक लाइक से मेरे को सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग शेयर और लाइक कर दिया करिए मेरे को। थोड़ा सा आप लोग, इससे हमारी हेल्प होती है कि आप हमें शेयर कर रहे हैं, मतलब आगे हमें प्रमोट कर रहे हैं लोगों तक वीडियो पहुंचाने के लिए। तो अभी मैंने क्या किया है, जब तक ये हो रहा है, ये मैंने ना इस तरीके से हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची आप चाहें तो काट सकते हैं, नहीं तो साबुत, मैं साबुत मिर्ची को ही इस तरीके से बीच में से चीरा लगाकर दो हिस्से कर लूँगी। तो इससे क्या होगा, एक तो जिसको नहीं खानी वो एज इट इज़ साबुत की साबुत निकाल देगा, और जिसको खानी है वो ले लेगा बीच में से। तो ये सब्जी जो है, इस तरह से कई बार हम क्या करते हैं ना, एक अच्छी जो हेल्दी सब्जी होती है हम उसको भी इग्नोर कर जाते हैं कि बच्चे नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा। पर ये सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं, बहुत हेल्दी होती हैं। हर टाइम आप पनीर, सोया चाप और ये सब कुछ नहीं खा सकते, या छोले, राजमा, चावल, ये सब कुछ डेली के हिसाब से घरों में जो सब्जियां बनती हैं वो बहुत जरूरी हैं, जिसमें टिंडे, तोरी, घिया, बैंगन, बहुत सारी सब्जियां हैं। पर आप उसको थोड़ा अलग स्टाइल से बनाकर देखिए, बहुत अच्छी बनती है। तो अब हम सब्जी एक बार चेक कर लेते हैं। बातों बातों में हमारी सब्जी भी जो है रेडी होने को आने वाली होगी, क्योंकि ये बहुत झटपट बनती है। तो ये देखिए, इसमें पानी नहीं डाला मैंने। अगर आपको लगे रिक्वायर्ड हो तो आप पानी डालिए, नहीं तो ये एकदम सूखी सब्जी बनती है, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप सिम कर दीजिए गैस को, क्योंकि जो बेसन होता है ये थोड़ा सा जैसे आपको लगेगा कि चिपक रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको हिलाइए और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करिए। सब्जी जो है ना, इस समय हमारी ऑलमोस्ट 90% सब्जी जो है पक चुकी है, क्योंकि घिया बहुत ही नरम था जो। और घिया एक बार आप लोग जब भी लीजिए उसको थोड़ा चख कर देख लीजिए कि घिये में कड़वापन तो नहीं है। जो घिया कड़वा होता है वो घिया अच्छा नहीं होता, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो ये देखिए, बढ़िया सी सब्जी आप देख रहे हैं, सारे किनारे से जो एकदम पानी ऑयल है वो सारा रिड्यू निकल रहा है, एकदम साइड्स छोड़ दी हैं। जब ये तभी छोड़ता है तेल जब हमारी सब्जी पकने को तैयार होती है। तो इस समय हमारी जो सब्जी है वो अच्छी तरीके से पक चुकी है, बहुत झटपट से बनती है। और अगर आपको लगे आपका घिया थोड़ा सख्त है और जो मतलब पकने में टाइम लगेगा, तो आप इस सब्जी को एक सीटी में कुकर में भी पका सकते हैं, प्रेशर कुकर में। पर इसका स्वाद जो सब्जी का है वो कढ़ाई में ही आता है, नहीं तो आप 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, सब्जी हमारी एकदम बढ़िया सी बनकर तैयार है। एक बार चेक करते हैं, गरम है अभी, ये देखिए एकदम बढ़िया सी तैयार है। तो बिल्कुल बारीक बारीक काटिए, 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे अभी हम इसको। और अब मैं इसमें डालूंगी ये हरी मिर्ची, और साथ में ही डालूंगी धनिया, थोड़ा सा धनिया मैंने अभी रखा है। और अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी एक और है जो हमने डालनी है, तो वो है थोड़ी सी हींग। हींग के साथ बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा इस सब्जी में। तो बिल्कुल 2 चुटकी हींग। और अब हमने इसमें थोड़ा सा नमक टेस्ट करना है, थोड़ा सा नमक कम है तो मैं हल्का सा नमक डाल रही हूँ, बिल्कुल जरा सा नमक। आप लोग स्वाद के अनुसार डालिएगा, चेक कर कर कि आप लोगों को कितना पसंद है। तो ये देखिए, नमक डाल दिया हमने। अब हम इस सब्जी को सर्व करते हैं
देखा आपने कितनी झटपट से ये सब्जी जो है बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये सब्जी बनाना, और खाने में तो इतनी यमी है कि आप लोग जब बना लेंगे ना तो मुझको एक बार ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सब्जी कैसी लगी है। तो सब्जी बनकर तैयार हो गई है, वो भी घीये की, मज़ेदार, इतनी टेस्टी, इतना अच्छा कलर इसका आया है, और ये खाने में इतनी लाजवाब है। आप इसको दाल के साथ, किसी चीज़ के साथ भी खाइए, और वो भी नहीं है ना तो कोई बात नहीं, आप नमक अजवाइन की परांठी बनाइए और उसके साथ खाइए। थोड़ा सा धनिया रखा था मैंने ऊपर डालने के लिए। तो इस तरह की सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा, कॉमेंट में बताइएगा, एक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।